वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, आज आप सामान्य हिंदी विषय की पेडागोजी की 17वीं क्लास देख रहे हैं। इससे पहले हमारे द्वारा 16 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं और आप हमारी हिंदी विषय की पेडागोजी की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और ई बुक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज लिखें केवल हिंदी पेडागोजी। और मित्रों, हमारे द्वारा जो ई बुक तैयार की गई है इसमें कुल 338 प्रश्न हमने शामिल किए हुए हैं। आइएगा आज सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कैसी कविताएं पसंद करते हैं? छोटी कविताएं या वीर रस की कविताएं, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं या फिर लयपूर्ण कविताएं? तो प्राथमिक स्तर के बच्चे हमेशा लयपूर्ण कविताएं पसंद करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को स कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा कि आप एक भाषा शिक्षक हैं और कोई छात्र अगर स को स बोलती है तब हम एक यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है और इसलिए हम उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त रूप से समय देंगे, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय प्रभाव भी हो सकता है, उसके क्षेत्रीय भाषा का भी प्रभाव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है तब वह कौन से रोग से ग्रस्त माना जाएगा? तो अगर अमित को पढ़ते समय कठिनाई आ रही है तो इसका अर्थ है कि वह डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। ओके, आगे बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिएगा। पहला टेलीविज़न, पत्रिकाएं, बाल साहित्य और समाचार पत्र। तो इसका सही जवाब होगा कि बिल्कुल ही भिन्न जो सामग्री यहाँ पर दी हुई है वो है टेलीविज़न। ओके, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद संज्ञा से संबंधित उदाहरण समझाती है। तो अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि का पालन कर रही है, उसके द्वारा कौन सी विधि अपनाई जा रही है? तो मित्रों, शिक्षिका के द्वारा यहाँ पर निगमन विधि अपनाई जा रही है, कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है कि भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। यही मात्र प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का एकमात्र सर्वोपरि उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? देखिएगा, यहाँ पर लेखन क्षमता के मामले में हमें देखना है, तो लेखन क्षमता में सबसे कम महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो है मानक वर्तनी। ओके, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक क्या है? ऑडियो टेप, शब्दों का ऋतुलेख, परस्पर बातचीत या भाषा प्रयोगशाला? तो बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक तत्व है यहाँ पर वो है परस्पर बातचीत। परस्पर बातचीत के माध्यम से हम बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? तो यहाँ पर चारों विकल्प आपके समक्ष मौजूद हैं। इनमें से एक ऐसा विकल्प है जो इस कथन का
बिल इस कथन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। तो वो कथन है मित्रों कि बच्चों के कल्पना लोक के रंगों और आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं? पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना, या फिर लिखना और बोलना। तो आधारभूत कौशल प्राथमिक स्तर पर वे हैं सुनना और बोलना। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विधि अक्षर बोध की विधि नहीं है? तो अक्षर बोध की विधि नहीं है इन चारों में से, वो है मित्रों प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि अक्षर बोध की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रहता है वो होता है कि रिपोर्टिंग करना। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षर जोड़कर पढ़ना। ओके, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क क्या है? क्या कारण है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किया जाता है? सबसे ठोस तर्क क्या दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा कि बाल साहित्य के प्रयोग से बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। बाल साहित्य का जो प्रयोग रहता है वो बच्चों के भाषा अनुभवों को क्या है, विस्तृत करता है। इज दैट क्लियर? तो मित्रों इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं और हमारी ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे इस हिंदी पेडागोजी की ई बुक में कुल 338 प्रश्न समाहित हैं जो कि व्याख्या सहित आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं।